गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनके अर्थ समान होते, इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसके हम सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। परिभाषा लिखिए, लगभग समान अर्थ, लगभग समान अर्थ, लगभग करने वाले, लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हम कुछ शब्द लिखेंगे, इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे, कुछ शब्द लिखेंगे जिनके पर्यायवाची हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए नंबर एक, अतिथि। अतिथि मतलब होता है मेहमान। लिखिए आगंतुक, आगंतुक मेहमान और पाहुन मतलब पाहुना। ठीक, ये अतिथि के पर्यायवाची है। सेकेंड नंबर लिखे आग, आग का लिखिए अग्नि, अनल, पावक, अग्नि अनल पावक उताशन भी कहते हैं। थर्ड नंबर लिखिए आँख, आँख नयन, नेत्र, लोचन, अच्छी और चक्षु भी इसके चक्षु, चक्षु लिखिए गणेश, गणेश के पर्यायवाची होंगे विनायक, गजानन, विनायक गजानन एक दंत। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर लिखे घर, घर के पर्यायवाची ग्रह, सदन, आलय और निकेतन भी होता है इसका। ठीक है, हम चाहे तो लिख सकते हैं निकेतन या भवन भी लिख सकते हैं। सिक्स नंबर पर लिखिए तालाब के पर्यायवाची, तालाब, तालाब के पर्यायवाची लिखिए ताल, ताल, जलाशय, ताल, जलाशय, सर, सरोवर। ठीक है, अब हम अगला वर्ड लिखेंगे। सेवन नंबर पर लिखिए पहाड़, पहाड़, पहाड़ का फैल, नगर,
पापा सभी को आता है, दीदी लिखेंगे, दीदी और सिंपल वर्ड भी लिखेंगे पर वर्ड, ठीक है। तो ये हमने कुछ पर्यायवाची लिखे हैं, कुछ पर्यायवाची और हम लिखेंगे जिसकी सहायता से हमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है। एक नंबर पर लिखिए बादल, बादल का लिखेंगे घन, मेघ घन, मेघ पयोद, पयोद अम्बुद आदि, ठीक है। अगला लिखे नाइन नंबर, नाइन नंबर पर लिखे अमृत, अमृत का लिखे पीयूष, सुधा, बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला लिखिए मित्र के पर्यायवाची, 14 नंबर पे लिखिए मित्र, मित्र के पर्यायवाची हैं मीत, सखा, मीत सखा, सहचर और दोस्त, ठीक है। अब हम लिखेंगे 15 नंबर, ओके। अगला लिखेंगे हम यम के पर्यायवाची, यमराजु, यम का पर्यायवाची लिखिए
यमराज काल अंतक, अंतक यमराज और काल। अब नेक्स्ट देखिए लक्ष्मी के पर्यायवाची, लक्ष्मी कमला, कमला श्री, श्री रमा, इंद्रा। ठीक है, और देखिए संसार के पर्यावरण, संसार जगत, ईश्वर, ईश्वर दुनिया और जग। एक अगला एक ही नंबर पर लिखेंगे हम शत्रु के पर्यायवाची, शत्रु, शत्रु को कहते हैं रिपु, रिपु दुश्मन और अली और बैरी। ठीक है, 19 नंबर पर लिखिए सोना के पर्यायवाची, जो स्वर्ण होता है सोना, कनक, कनक कंचन, कंचन और हिम। ठीक, अब 20 नंबर पे लिखेंगे हम मृत, मतलब हिरण के पर्यायवाची, मृत का लिखेंगे हम हिरण, सारंग, हिरण सारंग, कृष्णशाल, कृष्णशाल। ठीक, तो बेटा ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द, इन्हें आपको कॉपी में लिख के व्यवस्थित रूप से लर्न करना है। ठीक है, ये ऐसे 1 के सिलेबस में आएंगे।